दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ रंजन यादव मोतिहारी बिहार से। आप सभी से कुछ बात करनी थी। आप लोग सही बोलते थे ना, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, ये बेकार बिजनेस है। आपकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है, क्या बताऊं, आपकी कहे ना मानकर बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ यार, दिन भर अपनी मर्जी का मालिक, दिन भर जब मन किया अपना काम किए, जब मर्जी किया अपने फैमिली का काम कीजिए, जब मर्जी किया थोड़ा सा आराम कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, जब मर्जी किया काम कर लीजिए, यानी अपनी मर्जी के हिसाब से कर लीजिए सारा का सारा काम। कोई बॉस नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है, कोई कुछ सुनाने वाला नहीं है, और उसके बावजूद आप अपनी सारी मनमानी करते रहिए और बस थोड़ा कुछ घंटे दिल से काम कर दीजिए और उसका रिजल्ट। अभी मैं बैठे बैठे ग्रीन टी पी रहा था, अचानक से मेरे वैलेट में $160 क्रेडिट हुआ, यानी इंडियन करेंसी में 15,000 रुपए होते हैं। ये बैठे बैठे क्रेडिट हो गया, है ना बेकार बिजनेस। मजा नहीं है ना, मजा तो उसमें है सुबह 8 बजे या 10 बजे ड्यूटी जाना, 7 बजे 8 बजे ड्यूटी से आना, पूरी दिन का थकान लेकर आना और वो पूरी की पूरी जो चिड़चिड़ाहट भी साथ में आती है वो पूरे फैमिली पे उतार देना, उसको एक्चुअली में काम करते हैं ना। उसको लोग बड़ी इज्जत देते हैं जो दिन भर मेहनत करके आता है, दिन भर थकान करके आता है। लोगों को लगता है नहीं, यही एक्चुअल लाइफ है और वहीं से पैसे बनते हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है दोस्त। समय बदल रहा है, युग बदल गया। आप कभी बैंक में एक लंबी कतार देखते थे और लाइन लगे रहते थे पैसे निकालने और डालने के लिए, लेकिन क्या आज आप बैंक जाते हैं? आज फोन पे पेटीएम से काम कर लेते हैं। एक समय था कि शॉपिंग के लिए आपको दूर जानी होती थी, लेकिन आज घर बैठे अमेजन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर लेते हैं। ऐसे तमाम चीजें आप घर बैठे ओला उबर बुक करके आप अपने घर के पास गाड़ी मंगाकर बैठ के आराम से चले जाते हैं। यानी इस तरीके की तमाम चीजें, यानी आपके सभी के सभी जो काम है, घर बैठे सब्जी मंगा लीजिए, एवरी काम कर सकते हैं। यानी सभी के सभी चीज डिजिटल हो गया, आप उसको करने में गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन आप अपने कमाई को ऑनलाइन क्यों नहीं करते हैं? क्या एक नौकरी ही ऐसा जगह है जहां से पैसे कमाए जा सकते हैं? नौकरी के अलावे भी बहुत बड़ी दुनिया है। आपको मालूम है ये बात है कि नौकरी कभी भी आपको भूखे नहीं मरने देगा, लेकिन याद रखिएगा कभी भी लाइफ में आपको बहुत लंबी उड़ान उड़ने नहीं देगा। ये जो कीमती वक्त है ना, इस वक्त को कहीं लगाइए, अच्छे प्लेटफॉर्म में, अच्छे जगहों पे, अच्छे लोगों के साथ में, और देखिए कैसे पैसे आता है। आज महीने का 8 तारीख है और इस 8 दिन में लगभग 30,000 रुपए की इनकम हुई है, और सिर्फ मैं नहीं कमा रहा हूं, मेरे टीम के मैक्सिमम लोग पैसे बनाए हैं, हमसे ज्यादा पैसे लोग बना लिए हैं, और वो भी घर बैठे बड़ी मजे के साथ में। और साथ में हर महीने लगभग कुछ ना कुछ ट्रिप भी हो जाते हैं कहीं कहीं का, थोड़ा देश दुनिया घूमने का भी मौका मिल जाता है। और ये सारी चीजें अगर हो जाए जिंदगी में तो क्या खराब होगा? समय बदल चुका है, आप भी बदलने का प्रयास कीजिए। हर इंडस्ट्री में नाकामयाबी और स्कैम होता है। आप दुनिया की किसी इंडस्ट्री को उठाकर देखिए, हर जगह पे है। फिर आप किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री को दोष दे दे किसी पार्टिकुलर लोगों की वजह से, ये सही नहीं है। मानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, बहुत सारी कंपनियां स्कैम करती है, बहुत सारे लीडर्स भी आपके साथ गलती करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि हर नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी खराब है और हर लीडर खराब है। आप अपने सूझबूझ के अनुसार, अपनी नॉलेज के अनुसार अच्छे अपलाइन को चुनिए, अच्छे टीम के साथ जुड़िए, अच्छे सपोर्ट सिस्टम के साथ जुड़िए, अच्छी कंपनी के साथ जुड़िए और मेहनत कीजिए ना, आप भी घर बैठे लाखों रुपए के महीने कमा सकते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, देश दुनिया घूम सकते हैं, आप अपनी आजादी को पा सकते हैं। नौकरी ही एक साधन नहीं है पैसे कमाने के, वहां पे इतनी सारी बंदिशें हैं, घर से दूर जाने पड़ते हैं,
इतनी मेहनत करने पड़ते हैं, बॉस का फटकार सुनना पड़ता है, उसके बावजूद आप कमाते क्या है 15,000, 20,000, 25,000। क्या आज की महंगाई के युग में 15,000-20,000 से काम चल जाएंगे? नहीं चलेंगे। इस चीज को समझिए, क्या मैंने गलती कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग करके? आप ही के अनुसार से क्या गलती हमने कर दिया? पिछले महीने का चेक मेरा 1,32,000 रुपए का है, इस महीने अभी तक 30,000 का चेक बना चुका हूं। क्या लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती किया ना? और मजे की बात बताऊं, ये सब काम अपना करते हुए रूम में बैठे हुए, मैं रूम से कहीं बाहर भी नहीं जाता हूं, दिन भर रूम में बैठे रहा, कभी मन किया तो मोबाइल चला लिया, कभी मन किया घर पे बात कर लिया, कभी मन किया दोस्तों से बात कर लिया, और थोड़ा बहुत उसमें काम भी कर लिया। ऐसा बात नहीं कि काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन मजे की बात है कि अपनी फ्रीडम के साथ करना है। एक छोटी सी अमाउंट लगाकर एक लग्जरियस लाइफ अगर जी सकते हैं फिर क्या दिक्कत है? आज के समय में एक्स्ट्रा इनकम को करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी इंडस्ट्री को नजरिया गलत मत रखिए, उस इंडस्ट्री की डिटेल्स को जानिए, उसकी गहराई में जाइए और समझिए कि वो इंडस्ट्री एक्चुअली में क्या है। लोग बोलने के लिए बहुत सारी बातें बोलते हैं कि वो इंडस्ट्री खराब है, वो जगह खराब है। क्या क्या वाकई में सभी इंडस्ट्री खराब है? आप चीजों को अपनी नजरियों से देखिए, उसकी एजुकेशन लीजिए, उसकी गहराई को समझिए, तब पता चलेगा कि इंडस्ट्री क्या है और ना है। जिस तरीके से मैक्सिमम लोग शेयर मार्केट को एक जुआ मानते हैं, लेकिन मैं शेयर मार्केट को एक बिजनेस मानता हूं। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट की नॉलेज को लिया। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग एक गैम्बलिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग ही प्रॉपर एक बिजनेस है। ये उन लोगों का बिजनेस है जिनके पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है, ज्यादा पूंजी नहीं है, कोई ज्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं है। उन लोगों के लिए एक बेहतर लाइफ स्टाइल को बनाने के लिए, बेहतर पैसा कमाने के लिए, अपने फैमिली को बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए एक मात्र अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पल पल गाइड मिलता है, अपलाइन सपोर्ट करता है, अपलाइन इज्जत देता है, लोग इज्जत देते हैं अगर उनके साथ दिल से सही से काम करें तो। फिर क्या बुराई है इसमें? चीजों को समझिए, हर कंपनी और हर लीडर खराब नहीं होता, इस बात को समझिए, इसकी परख कीजिए। मानते हैं कि कुछ इसमें भी खराब कंपनियां हैं, कुछ खराब लीडर्स भी हैं, लेकिन सब नहीं है। अच्छे कंपनी का तलाश कीजिए, और जरूर अगर आप नौकरी कर रहे हैं उसके साथ में भी पार्ट टाइम इनकम का सोर्स बनाइए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग का, और खास करके हमारे इंडिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए आप इस अपॉर्चुनिटी से वंचित मत रहिए, मेहनत कीजिए, धीरे धीरे ऐसे ही एक बड़ी नेटवर्क को बनाएंगे, एक बहुत बड़ी इनकम कमाएंगे। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग खराब इंडस्ट्री नहीं है, चीजों को समझिए। होता है कभी कभी आपको धक्का लग जाता है, किसी किसी कंपनी में आप टीम बनाते हैं बिखर जाते हैं, कंपनी फ्रॉड कर जाती है, या कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। याद रखिएगा, किसी भी इंडस्ट्री में एक टाइम लगता है, एक्सपीरियंस लगता है, क्योंकि एक्सपीरियंस से किसी भी इंडस्ट्री में आपको कामयाबी मिलती है। तो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग आते हैं तो यहाँ सीखना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमने आया अपनी पुरानी एक्सपीरियंस अदर अदर कंसेप्ट का, अदर अदर फील्ड का, उस एजुकेशन को यूज करते हैं, और जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो 5 दिन 7 दिन ट्राई करते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर एक बिजनेस है, ये बहुत बड़ी बिजनेस है। इसको समझना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और ये तमाम चीजें करने के लिए तैयार है ना तो ये इंडस्ट्री इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा ना, आपका जॉब कभी भी इसकी कंपेयर नहीं कर सकता है। इसलिए चीजों को समझिए, स्टार्ट कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच, जय हिंद।